नमस्कार भैया बहनों, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा नौवीं विषय हिंदी दो बेलों की कथा, वीडियो क्रमांक 8। इससे पूर्व वीडियो क्रमांक 7 में हमने पढ़ा था हीरा और मोती दोनों बल पूर्वक काजी हौस की जो दीवार होती है उसको गिरा देते हैं। सारे जितने भी जानवर होते हैं उसके अंदर भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है उसके बाद इस वीडियो में हम देखते हैं। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। अर्थात सारे जानवर भागे थे और गधे जो थे वो वहाँ के वहाँ रह गए थे। इसमें गधे की श्रेणी भारतीय लोगों को दी गई है कि बहुत ही सीधे साधे उनके स्वभाव की तरह होते हैं। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। गधे कहते हैं, अभी तो क्या हुआ है, अभी तो भागने का समय पड़ा है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अर्थात गधे कहते हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें बहुत डर लगता है, हम तो यहीं बैठे हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, अर्थात हीरा बंधा हुआ था। उस चौकीदार ने हीरा को बांध दिया था दीवार गिराने की वजह से। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। हीरा रस्सी से बंधा हुआ था, मोती को कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, रस्सी आपसे नहीं खुलेगी, शायद कहीं भेंट हो जाए, अर्थात कहीं और अपन मिलेंगे, समय हुआ तो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मोती की आंखों में आंसू आ गए, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती बड़े गर्व के साथ बोलता है, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है। इतना तो हो ही गया काम कि 9-10 प्राणी की जान तो बच गई, वे सब हम कितना आशीर्वाद देंगे। दूसरा पद, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। बोर होते ही वहां पे काजी हाउस के अंदर मुंशी और चौकीदार उन सब की हाजिर लेने आते हैं। अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची इसके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं, वहाँ का दृश्य अलग ही पाते हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मरम्मत होना शब्द का अर्थ है पिटाई होना। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था। 7 दिन तक पानी पर जिए हीरा और मोती। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठान तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, ठठरियाँ करते हड्डियाँ पूर्ण रूप से हीरा और मोती की निकल आई थी, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिला था उनको, सिर्फ पानी के बलबूते पर जीते थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। अर्थात उस जो काजी हाउस के अंदर बंद थे ये हीरा और मोती थे, बाकी सभी जानवर तो भाग गए। डुगी बजने लगी अर्थात उनकी नीलामी होने वाली थी दोनों की। तब दोनों
मित्र निकले गए वहाँ से काजी हाउस के अंदर से, और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। अर्थात ऐसा लगता था कि ये बहुत ही कमज़ोर है, इनको ले जाके क्या करेंगे। और लोग उनकी सूरत देख के निकलते और मन फीका कर चले जाते, ऐसे मृतक मरे हुए के समान बेल, मृतक का रहता है मरे हुए के समान बेल, मरे जैसे। बेलों का कौन खरीदार होता, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर स्वभाव, आया और दोनों मित्रों के कुलों जंगाई होती हैं वहां पर उसने अंगुली डाली। मुंशी जी बातें करने लगा, अंगुली डालने का मतलब ये होता है कि उन दोनों के जंगाई देखी कि इसमें कितना मांस है, अर्थात वह कसाई था। ऐसा चरित्र जिसके होता है वो होता है कसाई। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान अर्थात भीतरी वे समझ गए दोनों मित्र कि कौन है। दोनों मित्रों का दिल कांप उठा, डर गया, वह क्यों और क्यों टटोल रहा है। इस विषय पर उन्होंने कोई संदेह नहीं हुआ, अर्थात संदेह नहीं हुआ, विश्वास हो गया कि ये हमारे को यहाँ से ले जाकर मारेगा। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, अंदरूनी नेत्रों से, और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से बेकार ही भागे, अब तो न जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, सम्मान की अश्रद्धा करता है असम्मान की भावना से, अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना और मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब नहीं बचाएंगे भगवान। ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा, यही हमारे लिए अच्छा है। नीलाम हो जाने के बाद अर्थात दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, नीलामी हो गई, बेचे गए दोनों की बोटी बोटी। प्रत्येक शरीर का हिस्सा अर्थात अंग अंग कांपने लगा। बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। दड़ियल कसाई व्यक्ति मार्ग में गाय बैलों का एक रेवड़ समूह रेवड़ कर देता है समूह। हरे भरे हार में चता नजर आया, सभी जानवर बड़े प्रसन्न थे, चिकने थे और चप्पल थे, चप्पल का होता चुस्त। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था, पागुर करता था जुगाड़ी। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, इस प्रकार के विचार हीरा और मोती में आ रहे थे। किसी को चिंता नहीं होती हमारे बारे में। उनके दो भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी, बदिक का होता है कसाई, बदिक शब्द का होता है कसाई। इन लोगों को चिंता क्यों नहीं थी, हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं लेकिन हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है, अर्थात ये जो रास्ता है अपन ने कहीं देखा है, हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था जो साला था जूरी काछी का। वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण कुछ समय उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा यह लो अपना ही हार आ गया, इसी को फिर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआ है। कुछ फुर्ती जगी, मोती ने कहा हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त करता था, खुले होकर बछड़ों की भांति कुले ले करते हुए छलांग मारते हुए घर की ओर दौड़े, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए जहाँ पे वे चारा चरते थे, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बेलों को देखते ही दौड़ा,
और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। जुरी काछी ने उन दोनों बैलों को पहचान लिया। उसके बाद देखते हैं मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था, हीरा ने दड़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बेल हैं, तुम्हारे बेल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ, मैंने इसे खरीदे। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बेल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल ने कहा, मेरे बेल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और दड़ियल कसाई पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता हुआ देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर भी फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मारने बैठो, अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा। दड़ियल भले ही गोली मार दे लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन वहां पर नहीं जाऊंगा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीते हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था पर उनसे लिपट गया। जूरी की पत्नी भी भीतर दौड़ दौड़ी आई, उसने भी आकर दोनों बैलों को चूम ली। इस प्रकार का दृश्य बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा था। इसके आगे ये कठिन शब्दार्थ है, ये हम सब भैया बहनों को कॉपी के अंदर करने हैं। इसमें प्रश्नोत्तर है कुछ, प्रश्न क्रमांक एक, हीरा मोती की सूरत देखकर लोगों का मन फीका क्यों पड़ जाता था। प्रश्न क्रमांक दो, यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है, कैसे लिखी। प्रश्न क्रमांक तीन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, कोई चार घटनाएं लिखनी है। इस पाठ के अंदर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय लोगों का व्यवहार भी बहुत कुछ ऐसा ही था जो इस पाठ के माध्यम से हमें शिक्षा दी जा रही है। हीरा और मोती जैसे स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले देशभक्तों को अत्याचार सहने पड़ रहे हैं और दूसरी ओर स्वतंत्रता का मूल्य न समझने वाले लोग थे जो सुख सुविधाएं भोगने मस्त थे, उनको स्वतंत्रता के लिए तन मन धन से संघर्ष करने वाले सेनानियों की कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार का ये पाठ है, ये भारतीय लोगों की ओर संकेत करता है। धन्यवाद।